सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। राजधानी दिल्ली में कोहरे और ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। बढ़ती ठंड के साथ बारिश की दोहरी मार ने राजधानी ही नहीं बल्कि ज्यादातर उत्तर भारत पर गहरा असर डाला है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी जारी की है। यह विक्षोभ पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके कारण ही 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली में साल 2015 के बाद ऐसे दिन दिखाई दे रहे हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक बादल छाए रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आज से दिन का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। जनवरी में अमूमन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता है। इस वर्ष भी विक्षोभ के कारण कल रात से हल्की बारिश का अनुमान है। बीते दिन भी थोड़ी बारिश पंजाब के पठानकोट, हरियाणा, दिल्ली में हुई, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के कारण आज सुबह गहरा कोहरा दिल्ली के बाहरी इलाकों में देखने को मिला। IMD ने कहा है कि आने वाले दो दिनों में उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। उनके अनुसार दो दिनों तक राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि आज इन्हीं क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन के समय में तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। यहां दक्षिणी भारत में बारिश या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी 22 जनवरी को रांची और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि 25 और 26 की सुबह कोहरा छाया रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।